आइकन एशी चार्ट जब प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ मिल जाता है ना, तो वो एक काफी पावरफुल सिस्टम बन जाता है। बेसिक कंसेप्ट तो ये है, एक तो आप नए ट्रेंड शुरू होने की राह देखते हैं या फिर पहले से एग्जिस्टिंग ट्रेंड की रिवर्सल के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जो मैंने पर्सनली बैक टेस्ट की है और जिसके रिजल्ट्स भी काफी प्रॉमिसिंग है। ये स्ट्रेटेजी मेनली प्राइस एक्शन पर आधारित है, जिसमें हाई कनेशी चार्ट्स, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक राइजिंग वेज पैटर्न शामिल है। हाई कनेशी कैंडल्स बेसिकली प्राइस के स्पीड को कैप्चर करते हैं। मुझे हाई कनेशी चार्ट्स में ये पसंद है कि कैंडल्स तब तक अपने रंग नहीं बदलते हैं जब तक ट्रेंड नहीं बदल जाता, और इसके नतीजे में ये चार्ट्स जनरली लंबी दौड़ के साथ हरे या तो लाल कैंडलस्टिक दिखाते हैं। हाई कनेशी में कैंडल्स की एक टेंडेंसी होती है जो डाउन ट्रेंड में लाल रहती है और अप ट्रेंड में ग्रीन रहती है, जबकि नॉर्मल कैंडलस्टिक जो होते हैं ना, वो अलग अलग रंग दिखाते हैं, भले फिर प्राइस एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं ज्यादा मूव कर रही हो। हर एक हाई कनेशी कैंडल उसके पहले वाले कैंडल से बिल्कुल बीच में शुरू होती है, जहां नॉर्मल कैंडल जो होती है ना, वो पहले कैंडल की क्लोजिंग के लेवल से शुरू होती है। ये एक बड़ा फैक्टर है नॉर्मल और हाई कनेशी कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में। ये जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से आप नॉइस को फिल्टर कर सकते हैं, रिवर्सल को पहचान सकते हैं और क्लासिक चार्ट पैटर्न को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड्स और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज पहचानने के लिए 5 सिग्नल्स होते हैं। हरे कैंडल्स अप ट्रेंड को दर्शाते हैं, हरे कैंडल्स जिन्हें लोअर शेडोज ना हो वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं, छोटी बॉडी वाले कैंडल्स जिन्हें अपर और लोअर शेडोज हो वो ट्रेंड चेंज को दर्शाते हैं, लाल कैंडल्स डाउन ट्रेंड को दर्शाते हैं और लाल कैंडल्स जिन्हें हायर शेडोज ना हो वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी स्ट्रेटेजी का दूसरा हिस्सा है राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न है जो नीचे से वाइड शुरू होता है और जब प्राइस ऊपर जाती है ना, तो वो नैरो हो जाता है, जबकि राइजिंग वेज मेनली रिवर्सल पैटर्न है, पर वो कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में राइजिंग वेज पैटर्न ऊपर की तरफ स्लोप करेगा, लेकिन ये स्लोप चल रहे डाउन ट्रेंड के खिलाफ होगा, जबकि रिवर्सल के केस में राइजिंग वेज ऊपर की तरफ स्लोप करेगा और चल रहे अप ट्रेंड के साथ ही होगा। आगे वीडियो में ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? देखो, चाहे वो रिवर्सल हो या तो कंटिन्यूएशन हो, राइजिंग वेज हमेशा ही बेयरिश होते हैं, ये याद रखना। राइजिंग वेज को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना और उसे ट्रेड करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम फाइनल सपोर्ट के ब्रेक को पहचाने। ये राइजिंग वेज पैटर्न तब बनता है जब प्राइस दो कॉन्वर्जिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बीच फंसी होती है, ऐसी दो लाइंस जिनकी दूरी आगे चल के कम होने वाली है। इस केस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस दोनों को ऊपर की तरफ पॉइंट करना चाहिए और सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन से थोड़ी तेज होनी चाहिए, स्टीप होनी चाहिए। हमारे स्ट्रेटेजी का तीसरा कंपोनेंट है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसका यूज वेज पैटर्न ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए होता है। हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंपल मूविंग एवरेज से फास्ट है, जिससे प्राइस बिहेवियर की चेंजिंग को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। पर अभी सवाल यह है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पर और ट्रेडिंग स्टाइल पर। 50 EMA या तो 100 EMA अच्छे एवरेजेस हो सकते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ आप बेसिकली प्राइस क्रॉसओवर को एनालाइज करते हैं। जब आप वेज ब्रेकआउट को पहचानते हैं, आप प्राइस को EMA के नीचे जाते हुए देखना चाहते हैं ताकि डाउनसाइड मोमेंटम कंफर्म हो जाए। ये पूरी स्ट्रेटेजी राइजिंग वेज पैटर्न को हाई कनेशी चार्ट पर ढूंढने और प्राइस को पैटर्न ब्रेक करने के बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने पर बेस्ट है। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं इस स्ट्रेटेजी के 10 पावरफुल पॉइंट्स। नंबर 1, हाई कनेशी। हाई कनेशी मार्केट नॉइस को फिल्टर करता है और छोटी करेक्शन को कम करके सिग्नल्स को ट्रांसपेरेंट बना देता है। इस स्मूदिंग इफेक्ट से राइजिंग वेज पैटर्न को ढूंढना आसान हो जाता है। 2, पहले का ट्रेंड। एक रिवर्सल पैटर्न के रूप में क्वालिफाई होने के लिए पहले से ही कोई ट्रेंड का होना जरूरी है जो रिवर्स होने वाला हो, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा तेजी के बाद ये पैटर्न बनता है। नंबर 3, अपर रेजिस्टेंस लाइन। अपर रेजिस्टेंस लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 ट्रेंड लाइन टच की बहुत जरूरी है, 3 हो तो बेहतर है, और हर एक हाई उसके पहले वाले हाई से ऊंचा होना चाहिए। नंबर 4, लोअर सपोर्ट लाइन।
लोअर सपोर्ट लाइन बनाने के लिए भी कम से कम दो ट्रेंड लाइन टच की जरूरत होती है और हर एक लो उसके पहले वाले लो से ऊंचा होना चाहिए। नंबर 5, कॉन्ट्रैक्शन। पैटर्न बनते समय अपर रेजिस्टेंस लाइन और लोअर सपोर्ट लाइन एक साथ मिलते हैं। लो से जो भी बाउंस मिल रहा होता है वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, ऑब्वियसली जिससे तेजी की उम्मीद भी कम हो जाती है। इसे दोस्तों होता क्या है ना कि अपर रेजिस्टेंस लाइन तो बनती है पर जो नीचे लोअर सपोर्ट लाइन है उसके स्लोप के साथ वो बराबर ही नहीं कर पाती। इसलिए मैंने कहा था कि लोअर लाइन ज्यादा तेज होती है, ज्यादा स्टीप होती है। नंबर 6, सपोर्ट ब्रेक। पैटर्न का बेरिश कंफर्मेशन तब तक नहीं होता जब तक सपोर्ट लाइन एकदम कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होती। जैसे मैंने पहले कहा था, ब्रेकआउट हमारे लिए एंट्री का सिग्नल है। जब सपोर्ट ब्रेक होता है ना तो डाउन ट्रेंड मोमेंटम बढ़ने लगता है। नंबर 7, वॉल्यूम। आइडियली जब प्राइस राइज करते हैं और वेज डेवलप होता है, वॉल्यूम कम होना चाहिए। सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट पर वॉल्यूम का एक्सपांशन बेरिश कंफर्मेशन सिग्नल के रूप में लिया जा सकता है। नंबर 8, ईएमए ब्रेकआउट। जब मार्केट लोअर सपोर्ट लाइन से ब्रेक होता है, टूट जाता है, तो आइडियली अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी उसके नीचे ही रहता है। नंबर 9, प्रॉफिट टारगेट। आमतौर पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 या उससे ज्यादा ही रखना चाहिए। राइजिंग वेजेस के लिए प्राइस टारगेट होता है जो वेज का वाइडेस्ट डिस्टेंस होता है। आप वेज के डिस्टेंस को मेजर करते हैं और ब्रेकआउट पॉइंट पर वही डिस्टेंस प्रोजेक्ट करते हैं। नंबर 10, स्टॉप लॉस। आमतौर पर स्टॉप लॉस मार्केट को थोड़ा सा रूम देने के लिए ही लगाया जाता है। फॉल्स ब्रेकआउट काफी कॉमन होते हैं और एक्स्ट्रा रूम देने से हम कुछ फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड भी कर सकते हैं। अपना जो राइजिंग वेज पैटर्न है उसका सबसे हाई पॉइंट एक इनिशियल स्टॉप लॉस के लिए काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मार्केट के लोअर लोज होने पर चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर एक राइजिंग वेज का एग्जाम्पल है जो हमने हाइकनेशी चार्ट में पाया है। देखो, पहले एक अपट्रेंड था, एक वेज पैटर्न बना, हमें अपर रेजिस्टेंस लाइन और लोअर सपोर्ट लाइन दोनों मिल गई। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, लोअर सपोर्ट लाइन का स्लोप अपर रेजिस्टेंस लाइन के स्लोप से ज्यादा स्टीप है, ज्यादा तेज है। अपर रेजिस्टेंस लाइन में कम स्लोप का होना ये इंडिकेट करता है कि मोमेंटम कमजोर हो रहा है। ध्यान देना दोस्तों, ये तब हो रहा है जब प्राइस नए हाईज बना रहा है। पहले तो प्राइस ने सपोर्ट लाइन को टेस्ट किया और फिर तेज गिरावट के साथ फाइनली उसे ब्रेक भी कर दिया। पिछला लो इस हाइकनेशी कैंडलस्टिक के बाद टूटा है। वॉल्यूम देखना, सपोर्ट लाइन ब्रेक होने से पहले कम हो गया है और ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम बढ़ गया है, जो मार्केट के डाउनसाइड मोमेंटम का एक अच्छा साइन है। हमारी एंट्री ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे की तरफ होनी चाहिए। हमारा प्राइस टारगेट है यहाँ पर वेज की वाइडेस्ट डिस्टेंस के बराबर और हमारा स्टॉप लॉस है वेज के हाई से थोड़ा ऊपर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा देखते हैं मेरे कुछ ट्रेड के एनालिसिस को। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो आई एम श्योर आप जानते ही होंगे कि मैं अपने ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूं मेरी 5 इंडिकेटर सिस्टम का। चलो अभी जरा हम देखते हैं ये 5 इंडिकेटर सिस्टम हम एक्चुअली चार्ट पर प्रैक्टिकली किस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो भी चार्ट हम ट्रेड करने वाले हैं वो एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में हो। अपट्रेंड के लिए हम यूज करते हैं 100 वाले सिंपल मूविंग एवरेज का। आप देख सकते हो किस तरह से प्राइस उसके 100 वाले सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। ये हमें दर्शाता है कि प्राइस में अभी एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड है, पर स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में हमें यहाँ पर बाय नहीं करना है, पर हमें ये देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड वाला स्टॉक
थोड़ा सस्ता हो जाए ताकि वहां पर हम अपनी बाइंग कर ले। इसलिए हम यूज करते हैं अपने दूसरे इंडिकेटर को जो है स्टोकास्टिक्स। जब अपना स्टोकास्टिक्स उसके ओवरसोल्ड रीजन में आ जाएगा, मतलब 20 के लेवल पर आ जाएगा, तब बाइंग के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से ये जो 50 वाला मूविंग एवरेज है वो प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, मतलब उसे गिरने नहीं दे रहा है। उसके साथ ही अगर मैं चार्ट को थोड़ा जूम करूं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हम चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि ये स्टॉक ने किस तरह से ट्रेंड लाइन पर बाउंस दिया है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करे वहां से भी हमें बाउंस मिल जाए। तो हमारे 5 इंडिकेटर में से 4 इंडिकेटर तो यही मौजूद है, इसलिए ये स्टॉक ये ट्रेड हमारे लिए बन जाता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। देखो कुछ यहाँ पर मेरी एंट्री है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है और बिल्कुल यहाँ पर है मेरा टारगेट। देखो दोस्तों, एंट्री के तुरंत बाद ही प्राइस ने एक शार्प बाउंस दिया है और देखते ही देखते मेरा टारगेट को भी हिट कर दिया है। देखो दोस्तों, ये 5 इंडिकेटर टेक्निक समझने के लिए तो बहुत ही आसान है और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं, जरूर ट्राई करना। चार्ट पर RSI डाइवर्जेंस एक और इफेक्टिव कंफर्मेशन है। अपट्रेंड में राइजिंग वेज पैटर्न मोमेंटम की एग्जॉशन को सिग्नल करता है। आप इसे एक और तरह से भी कंफर्म कर सकते हैं, जब RSI और प्राइस की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है। डाइवर्जेंस तब होता है जब कोई इंडिकेटर जैसे RSI हो, MACD हो, स्टोकास्टिक हो, एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं और एक्चुअल प्राइस उसके अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती है। प्राइस में हमें हायर हाई मिलते जाते हैं और ऑसिलेटर की हाईज में हमें लोअर हाईज दिखाई देते हैं। ये जो दोनों के बीच का डाइवर्जेंस है ना, ये एक और क्लू है कि मार्केट अभी नीचे जा सकता है। अगर पहले के एग्जांपल में हमने सेटअप को बेरिश रिवर्सल पैटर्न के रूप में ट्रेड किया था, तो हम इसे बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, अगर हम इन सेटअप्स को बेरिश रिवर्सल पैटर्न के रूप में ट्रेड कर रहे हैं तो एग्जैक्टली उसके साथ साथ ही हम इसे बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में भी ट्रेड कर सकते हैं। इस केस में प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में है, फिर उसने हायर हाईज और हायर लोज का एक फॉर्मेशन बनाया है। जैसे मैंने कहा था कि कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में राइजिंग वेज ऊपर की तरफ स्लोप करेगा, लेकिन ये चलते डाउन ट्रेंड के खिलाफ होगा। डाउन ट्रेंड के दौरान राइजिंग वेज के फॉर्मेशन में वही क्लूज होते हैं जो पैटर्न को ट्रेड करने लायक बना सकते हैं। यहाँ पे अपर रेजिस्टेंस लाइन कम से कम 2 हायर हाईज के साथ बनी है, लोअर सपोर्ट लाइन 3 हायर लोज के साथ बनी है, लोअर सपोर्ट लाइन का स्लोप अपर रेजिस्टेंस लाइन से ज्यादा तेज है। प्राइस के हायर हाई के साथ वॉल्यूम का कम होना ये हमारे लिए क्लूज है। प्राइस में हायर हाई है पर वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो दोस्तों, ये हमारे लिए ना कुछ क्लूज है। ध्यान देना, सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम बढ़ चुका है। आप यहाँ पर RSI पर डाइवर्जेंस भी देख सकते हैं। कई बार ऐसे फॉल्स पैटर्न होते हैं जो राइजिंग वेज जैसे ही दिखते हैं, पर उनसे बचने के लिए ही हम ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न के बजाय हाइकनेशी चार्ट को यूज कर रहे हैं, जो चार्ट पर हमें चल रहे डोमिनेंट ट्रेंड को दिखाते हैं।
इसके अलावा एक सच्चे राइजिंग वेज पैटर्न को एक झूठे राइजिंग वेज पैटर्न से अलग करने के लिए और एक भी तरीका है, वो ये कि जब ब्रेकडाउन होता है तब हाई कैनेशी कैंडल्स रेड होती हैं। यहाँ कुछ वैलिड ट्रेड्स के एग्जांपल हैं। देखो दोस्तों, आपने कुछ यहाँ पे नया सीखा है और आपको कुछ वैल्यू भी मिली है, तो सपोर्ट के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।